नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका KIA के स्पेशल सीरीज। आज के समाज में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई लड़की कुछ स्पेशल करती है, कुछ अच्छा करती है, कुछ नया करती है, और पहले ऐसा अमूमन होता नहीं था कि लड़कियां आगे बढ़ें, और उनको आगे बढ़ाने में लोगों का, समाज का सहयोग जो होता है वो जितना आज किया जाता है इतना पहले नहीं था। लेकिन आज के समाज में जब कोई बेटी आगे बढ़ती है तो हम सभी के लिए ये गर्व की बात होती है, और ऐसा ही कुछ किया है हमारी और आपकी अपनी बेटी ने, सोनम यादव ने। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सोनम ने अभी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है, और वो इंडिया के लिए खेली हैं, और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर। साउथ अफ्रीका में आपका फिनाले मैच था, कैसा लगा आपको इंडिया को, जब लोग, जैसे हम टीवी पर देखते हैं इंडिया इंडिया करके लोग करते हैं स्टेडियम के अंदर, तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर था, जोश था आपके अंदर? जी बिल्कुल, बहुत जोश था हमारे अंदर। उधर भी बहुत सारे फैंस थे जो इंडिया के, जो बोल रहे थे कि कम ऑन इंडिया। तो चलिए, सोनम से आज हम मुलाकात करेंगे, सोनम से बातचीत करेंगे और सोनम के बारे में जानेंगे सारा कुछ। आज जो भी होने वाला है यहाँ पर वो बहुत अद्भुत होने वाला है। सोनम का कंप्लीट इंटरव्यू और पहला इंटरव्यू ये आप देखने वाले हैं। अब तक सोनम का इस तरीके से कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। आज सोनम सब कुछ अपने बारे में बताएंगी, सिवाय क्रिकेट के हम उनके घर, उनके परिवार के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले सोनम, एक हम रैपिड फायर खेलते हैं। जी बिल्कुल। जैसे रैपिड फायर होता है ना, एकदम से खटाक से सवाल पूछा, जवाब दिया तुरंत। तो नाम? हाँ, सोनम यादव। सोनम। पिता? मुकेश कुमार। माता? गुड्डी देवी। और सोनम, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? रविंद्र जडेजा। फेवरेट करेक्टर, फेवरेट आर्टिस्ट? आर्टिक्स तो कोई नहीं है ऐसा। अच्छा, ठीक है। फेवरेट हीरो? नहीं। हीरोइन? कोई नहीं? नहीं। अरे वाह। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी, पापा, भैया, पांच सिस्टर हैं, भाभी है, भतीजा है। पांच सिस्टर हैं आपकी, और आप किस नंबर की हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं, आपसे बड़ी पाँच चार सिस्टर हैं। तो वो क्या करती हैं? तीन की शादी हो चुकी है और एक पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं अभी टेंथ में हूँ। टेंथ अपीयरिंग है, अभी पढ़ रही हैं? जी, पढ़ रही हैं। तो 2023 में आपके एग्ज़ाम होंगे? जी, 2023 में आपके एग्ज़ाम होंगे। और अगर इस बीच में, आपके एग्ज़ाम के बीच में आपकी कोई मैच शेड्यूल हो जाता है तो क्या करेंगी, किसको चुनेंगी? एग्ज़ाम छोड़ दूंगी, पेपर यू पेपर एग्जाम छोड़ देंगे, जो भी मैच है उसको, मैच को कंटिन्यू करेंगे, माने हॉबी जो हमारी होती है आप उसको लेकर के चलेंगे। जी बिल्कुल। तो ये क्रिकेट आपकी हॉबी है या पैशन है? हॉबी है, पैशन। ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे कि कब आपने शुरुआत की, कैसे आपको लगा कि क्रिकेट में मुझे जाना चाहिए? मैंने 2017 से स्टार्ट किया था क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गर्ल्स की भी क्रिकेट होती है। हाँ, सुना था कि बॉयज़ क्रिकेट होती है, बट मैं भी मैच नहीं देखती थी, पर ऐसे गांव में ऐसे खेलती थी तो नॉर्मली। तो भैया को मिला, भैया को लगा कि मैं शायद कोई गेम में ज्वाइन हो सकती हूँ, या एक्टिविटी देख के उन्होंने लगा, तो उन्होंने मतलब क्रिकेट का चूज़ किया, क्योंकि उनका ड्रीम था कि वो। अच्छा, भैया भी क्रिकेट पसंद करते हैं? जी, भैया को पसंद है, भैया भी खेलते हैं और खेलते थे, अब तो नहीं। उनका ड्रीम था कि इंडिया खेलने के लिए, तो उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन कराया है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ से मेरा वो एकेडमी है मेरी, वहाँ से मेरी स्टार्ट हुआ क्रिकेट। ओके, तो भैया के बारे में आपने बताया कि भैया का भी ड्रीम था, तो अब भैया क्यों नहीं खेलते हैं? भैया का कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि भैया बड़े हैं, थोड़ा घर का भी देखना पड़ता है, और पढ़ाई भी थी उनकी उस टाइम, तो नहीं कर पाए, तो और उनकी एज भी बहुत हो गई। भैया ने आपके लिए सेक्रीफाइस तो नहीं किया? जी बिल्कुल, मेरे लिए भी किया सकता। चलिए,
सोनम, क्रिकेटर बनने के बारे में कब सोचा? क्रिकेट के बारे में मैं एक साल की हो गई थी जब मुझे सब कुछ पता पड़ गया था कि हाँ गर्ल्स क्रिकेट भी होती है और बहुत कुछ होता है इसमें, तो मुझे लगा मैं सोच लिया था कि अब तो इंडिया के लिए खेलना है, चाहे 19 हो। उस टाइम 19 का कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम ये था कि मतलब इंडिया होता है। तो फर्स्ट स्टेप था कि मैं यूपी के लिए जितनी जल्दी हो सके यूपी के लिए खेलूँ। तो यूपी के लिए आपने स्टेट लेवल पे कितने मैचेस खेले अब तक? बहुत सारे, जितने भी टूर्नामेंट हुए सारे मैचेस मैंने खेले हैं। 19 का हुआ, 16 का हुआ, सारे मैचेस मैंने प्लेइंग किए हैं। जितने साल तक, 3-4 साल हो गए मुझे यूपी के लिए खेलते हुए, तो सारे मैच मैंने प्लेइंग किया है। तो सोनम, घर में और कोई, आपने जैसे बताया कि भाई आपके क्रिकेट खेलते हैं, तो और भी कोई क्रिकेट खेलता है भाई और आपके अलावा? नहीं, कभी कोई और आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट में से? No. कोई नहीं? No. आपने 9th की एग्जाम दिया जी, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने गए? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बार हुआ है। स्कूल बंक करके चले जाते जी। थे? क्रिकेट पसंद था? पसंद भी था, बहुत पसंद था, क्रिकेट भी पसंद था। मतलब जब पता नहीं थे उस टाइम तो इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद जब से आपको ये पता चला कि मतलब लड़कियों के लिए भी क्रिकेट होता है, तो पसंद, मतलब पसंद हो गया, फिर तो खेलना ही खेलना भी तो है। ठीक है, सोनम यादव एक नाम है वैसे तो सबके लिए, और दुनिया में हजारों लाखों शायद सोनम यादव होंगे, लेकिन जो आप हैं, अगर सोनम यादव क्रिकेटर नहीं होती तो क्या बनना चाहती हैं आप? तो मैं पढ़ाई में ही रखती, पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ IAS का ट्राई करती। सोनम यादव ने क्रिकेट को अपना पैशन बनाया और क्रिकेट के लिए अपनी पूरी लाइफ समर्पित अब कर दी है। 2017 में आपने क्रिकेट शुरू किया और अभी 2022 खत्म हुआ है, 2023 शुरू हुआ है, तो 5 साल में मान के चलूं कि करीब आपको हुए हैं। 5 सालों में लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं और उनको ये अचीवमेंट नहीं मिल पाता है कि वो इंडिया के लिए खेलें, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हम सबके लिए गर्व की बात है, आप फिरोजाबाद से हैं, ये पूरे फिरोजाबाद के लिए गर्व की बात है कि सिर्फ 5 सालों में आपके जैसी एक छोटी सी लड़की ने वो सपना जो देखा और उसको पूरा कर लिया कि वो इंडिया के लिए U19 खेल कर आई। कैसा लगा आपको उस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत प्राउड फील कर रही थी। जब टीम अनाउंस हुई, टीम इंडिया की टीम अनाउंस हुई, तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस, तब पता पड़े कि हाँ वर्ल्ड कप की ही टीम है। तो बहुत खुशी हुई इस टाइम के हम लोग का, जो मेरा ड्रीम था कि 19 वर्ल्ड कप खेले जाना, तो मेरा ड्रीम वो पूरा हुआ। लेकिन अभी मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, बस उसके लिए जो स्टेप था वो स्टेप मेरे लिए पूरा हो गया। वो क्या आपका ड्रीम है आगे? आगे ड्रीम यही है कि सीनियर के लिए भी खेलूं और कंटिन्यू खेलती रहूं। तो सीनियर में जाना चाहती हैं तो वो तो आप चली ही जाएंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी वहां पर पहुंचें। U19 में आपके साथ कितने खिलाड़ी अभी गए थे वहां पे? यूपी का बताऊं? यूपी का तो 5 प्लेयर्स थे, जिसमें मतलब कानपुर की भी है और लखनऊ, मतलब हैदराबाद, मतलब लखनऊ की है, इलाहाबाद, और नोएडा की है, गाजियाबाद की है, और मैं होगी। अच्छा, तो सोनम सभी आपके एज की, आपकी एज क्या है? मेरी 15-16 स्टार्टिंग, 15 साल की है। 15 साल की उम्र में, यानी कि आपने जब क्रिकेट 5 साल पहले शुरू किया तो केवल 10 साल की रही होंगी। तो क्रिकेट खेलने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए? भैया से ही मिली थी, मैं तो यही बोलूंगी, जब उन्होंने जो कराया, जो ज्वाइन भी करा, तो उनसे ही मिली मुझे। तो गुरु किसे मानती हैं? मैं अपने सर को ही मानती हूँ, सर गुरु है जिन्होंने मुझे बनाया। कौन है आपके कोच? रवि यादव। रवि जी, आपने अभी वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले हैं वर्ल्ड कप के लिए? वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप है उसके मैंने 8 मैच होते हैं, उसमें से 7 मैच खेले, एक में ही ड्रॉप हुई थी। अच्छा जी, 7 मैच में आपने कितने विकेट लिए? 5 विकेट। अच्छा, आपकी जो स्पेशलिटी है लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर? जी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, यस ऑर्थोडॉक्स। तो ये
अच्छा ऑर्थोडॉक्स ये टर्म आपको कब पता चला कि ये ऑर्थोडॉक्स होता है? ऑर्थोडॉक्स का मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऑर्थोडॉक्स किसको बोलते हैं। मुझे जब 19 का ट्रायल दिया था तो उस टाइम मेरे को पता पड़ी कि ये ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। वैसे तो मैं लेफ्ट आर्म स्पिन बोलती थी, बट एक मैम थी उन्होंने बोला कि ये ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, ऑर्थोडॉक्स होता है। तो मतलब ये आपको गॉड गिफ्ट हुआ या फिर आपने इसके लिए प्रैक्टिस की कि नहीं मुझे लेफ्ट आर्म ही करना है, या फिर आप लेफ्ट हैंडेड हैं इसलिए? मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। लेफ्ट हैंडेड हैं इसलिए आ गया। मुझे ये बताइए कि आप पहली बार आप अपने देश से बाहर गई तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब हम अपने इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में जा रहे थे तो लग रहा कि हाँ चलो अब दूसरी कंट्री भी देखने को मिलेगी। पहली बार जब आप आई थी तो जब गई थी आप तो पासपोर्ट बनने में मैंने सुना कि दिक्कत आ रही थी आपको। हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी पापा की, थोड़ा इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और जल्दी भी चाहिए था। मतलब आपको जो वहाँ से सूचना आई थी और उसके तुरंत बाद ही शायद कितने दिनों का अंतर था? हम लोग को जब पता पड़ी कि मतलब मतलब बाहर जाना है साउथ अफ्रीका तो उसके लिए मतलब 4-5 दिन पहले ही हम लोग को उधर सबमिट करना पड़ता है क्योंकि वीजा बनवाना पड़ता है, तो 2-3 दिन के अंदर जल्दी बनवाना था क्योंकि उसकी डेट 25 की कुछ थी, तो हम लोग को 23 को मुझे जाना भी 24 को था, इसलिए जल्दी जल्दी। इंग्लिश आती है? नहीं। कैसे लग रहा है कि जब आप वहाँ गई बाहर गए तो वहाँ पर तो लोग हिंदी नहीं समझते होंगे तो कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई? नहीं थोड़ा बहुत मतलब समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और भी प्लेयर्स हैं वो भी उनका भी ऐसा ही है, जो 2-3 प्लेयर हैं उनको आता है बट हम लोग समझ सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, बट फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं थोड़ा। कैसा लगा विदेश जाके? अच्छा लगा। गाँव से बाहर कभी नहीं गई, ऐसा लोग कहते हैं कि अपनी गांव से बाहर नहीं गई और अब विदेश घूम रही है, तो जब लौट कर आए वहां से तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? बस यही थी कि बस बहुत खुश थे सब लोग के विदेश से मैच खेल के और विनर होके आए, और मतलब बहुत प्राउड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि आप खेलने तो गए ही साथ में आप जीत कर आए तो खुशी जो है वो डबल हो गई। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे समाज में, हालांकि ये बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़कियों को लोग आगे बढ़ने से रोकते हैं कि लड़की होकर ऐसा करेगी, लड़की होकर वैसा करेगी, और तमाम तरह की फप्तियां कसते हैं लोग। आपके साथ भी हुआ? हाँ मेरे साथ भी हुआ था जब मैं छोटी थी, तो जब स्टार्ट ही किया था तो उस टाइम बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं ये क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मतलब बॉयज़ के साथ जाना नहीं जाना चाहिए था, इसको घर में मतलब पढ़ाई कराओ, मतलब गेम नहीं खेलना चाहिए, तो बहुत लोग लड़कियों की चीज़ नहीं है ये लड़कियों के काम नहीं है ऐसा कहते हैं, और बाद में जा कर के तो वही करना है। जी आपके साथ भी हुआ होगा? जी बिल्कुल। लड़कों के साथ अच्छा क्रिकेट खेलने में आपको कोई दिक्कत हुई कभी? नहीं, क्योंकि शुरुआत तो आपने वहीं से करी होगी और बॉयज के साथ ही आपने खेला होगा क्योंकि लड़कियां तो है नहीं यहाँ पे खेलने वाली। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं गांव में भी खेलती तो बॉयज के ही साथ थी, लड़कों के छोटे छोटे जो मेरे एज के थे उनके साथ खेलती तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होता। मैं हाँ फर्स्ट टाइम अकेडमी ज्वाइन की थी, थोड़ा घबराहट हो रही थी क्योंकि मैंने किसी से मिली नहीं, किसी को जानती नहीं, कभी बाहर गई नहीं, तो फर्स्ट टाइम उनको देखा तो थोड़ा बहुत लगा, 2-3 दिन के बाद थोड़ा मैनेज किया। फिर मतलब उन्होंने भी बोला कि नहीं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, हम तुम्हारे भैया हैं, ये सब अच्छे से खेलो और मेहनत करो, बस सबने कोऑपरेट किया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि फिरोजाबाद से आप हमारे पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वहाँ पर। आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आगे आने वाले टाइम में मैं मतलब इंडिया के लिए हमेशा खेलती रहूँ, बस यही देखना चाहती हूँ कि अपने फिरोजाबाद और अपने यूपी का नाम रोशन करते रहूँ। आपने कहा कि फिरोजाबाद और यूपी का नाम आप रोशन करें, आपकी भी स्थिति ज़्यादा मैं ठीक समझता हूँ कि ठीक नहीं है? नहीं। तो आपको कुछ कहीं से कुछ नहीं राजनीतिक या कोई सामाजिक लाभ मिला? कुछ नहीं अभी तक नहीं, नहीं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि फिरोजाबाद जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और कुव्वत रखता है कि वो किसी भी बड़े व्यापारियों से, यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उन्नाव से तो बड़े ही हैं, तो हमें
हमारे नेताओं को भी ये सोचना चाहिए, हमारे उद्योगपतियों को सोचना चाहिए, जो बड़े व्यापारी हैं उनको सोचना चाहिए कि देश का नाम हमारे शहर से चल रहा है और हमारे शहर को आगे बढ़ाने में खिलाड़ी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, खिलाड़ी का कोई अलग से परिचय नहीं होता है, खिलाड़ी देश का खिलाड़ी होता है, उसके लिए सोचना जरूर चाहिए। आपके पिताजी हमने सुना कि फैक्ट्री में काम करते हैं। जी बिल्कुल। कहाँ करते हैं जी? ओम ग्लास, जो रायताल में जो फैक्ट्री है ओम ग्लास, उसमें ही करते हैं। कितनी आय होगी पिताजी की? 50 से ऊपर। आपने कितने मैच अभी तक खेले हैं स्टेट के लिए और देश के लिए? SSL में बहुत सारे मैच खेले हैं, हर साल मैच होते हैं, तो 7-8 मैच के लीग की होती है, उसके बाद सेमीफाइनल वगैरह होता है, तो सर बहुत सारे मैच खेले हैं, 200-300 के आसपास, ज़्यादा ही हो गया। 200-300 मैच सर इतना ही तो हुआ, नेशनल वगैरह लगा के तो सब आइडिया नहीं है लेकिन। अच्छा, इतना सारा मैच आपने खेला और जीतने के लिए और मतलब एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, सारी चीज़ें, फिटनेस वगैरह, प्रैक्टिस पूरा सब कुछ चलता है, बहुत ज़्यादा। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं दिन में? मैं सुबह का 3 घंटे रहता है और शाम का 3-6 घंटे प्रैक्टिस रहती है मेरी, और जब भी कोई पास में टूर्नामेंट आता है तो 7-8 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में भी चली जाती है। फिर पढ़ाई के लिए समय मिलता था? पढ़ाई के लिए टाइम तो नहीं। इतनी जो लड़कियां हैं और भी जो लड़कियां हैं आपको देखती होंगी, वो आपसे इंस्पिरेशन लेती होंगी, प्रेरणा लेती होंगी कि मुझे भी सोनम की तरह बनना चाहिए। नहीं लेती तो अब लेंगी फिरोजाबाद में, क्योंकि एक आप अब आइडल बन गई हैं लोगों के लिए, आप एक आदर्श बन गई हैं कि लोग आपको देख करके आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। क्या आप उन बच्चों को, जो बेटियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं अब जो आगे आएंगी, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसमें भी आप जो जाना चाह रहे हो या क्रिकेट में जो आपका दिल कर रहा है ना, उसी चीज़ को करना है, और जब उस चीज़ को ठान लिया है तो उस करके ही रहना है और हार्ड वर्क करना है। मेहनत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी सोनम का कहना ये है कि अपना जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, उसके लिए जी जान लगा करके आपको काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखेंगे तभी होंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप पढ़ें लिखें नहीं, आप पढ़ें आप, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपका जो पैशन है उस पर भी ध्यान दें। लोग हमारी इच्छाओं को दबा देते हैं, लड़का हो या लड़की हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको लोग निखरने नहीं देते और उसको वहाँ पर दबाने की कोशिश करते हैं किसी भी कारण से, लेकिन नहीं, प्रतिभा जो है वो गॉड गिफ्ट होती है और उसे दबाना नहीं बल्कि उभारने में सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ लड़कियों की तो टीम है नहीं फिरोजाबाद में? जी नहीं। आप अकेली लड़की हैं मेरे ख्याल से? नहीं, या पहली लड़की हैं आप? अगर इंडिया के लिए रिजर्व करना तो फर्स्ट लड़की, और यूपी से खेलने वाली तो 4-5 मेरे तो सीनियर भी हैं। फिरोजाबाद से? जी फिरोजाबाद से। अच्छा, इंडिया के लिए खेलने वाली आप पहली लड़की हैं। तो ऐसा क्या आप में स्पेशल रहा कि आप इंडिया के लिए पहुंची और वो लोग नहीं पहुंच पाए? सर मैं उनके लिए क्या बोलूँ, बट मैं अपनी बोल सकती हूँ कि मैंने तो बस ठान लिया था कि बस जितना भी पैसा भी हो मेहनत करनी है उसके लिए, पाने के लिए, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, तो बस मैंने मेहनत की। अच्छा, ये बताओ कि मेहनत के साथ साथ में क्या खाने पर भी आपने कुछ ध्यान दिया? जी बिल्कुल, खाने का, क्योंकि आपका जो खेल है, जो क्रिकेट है, उसके लिए बॉडी को फिट रहना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करती हैं आप? मेरा सुबह का डाइट वगैरह, मतलब जो भी रहता, मतलब थोड़ा बहुत मम्मी और भैया थोड़ा देखते थे, सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह, तो दूध में, मतलब दूध वगैरह उसको अच्छे से सेक करके, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के खाना रहता था, और पनीर वगैरह रहता, केला वगैरह, सेब, ये सुबह का मेरा रहता है। फिर दोपहर का खाना रहता है जो भी, फिर शाम का खाना, और शाम को अगर सर्दी का मौसम है तो एग वगैरह, वैसे एग मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों टाइम में खाती हूँ, तो बस यही चलता है मेरा। बाहर का कुछ नहीं खाते? बाहर का नहीं, बहुत कम, मगर अगर खा लिया 1-2 महीने। क्या क्या पसंद है? ऐसा कुछ पसंद नहीं है, मतलब ठीक है जो भी, बट ये नहीं कि पसंद नहीं है, जो ठीक है अगर खा लिया तो, जो खा रहे मतलब
कभी बाहर का कभी खाना हो तो कोई भी सारा किसको खाना है तो ठीक है। हमने सुना कि आपको मोमोज बहुत पसंद है। नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। नहीं ये अफवाह है। बिल्कुल गोलगप्पे हाँ वो उसको खा सकती हूँ बट कभी कभार ऐसा नहीं किया। देश के लोगों से आप क्या अपील करना चाहती हैं? सर अपने देश के लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। बस यही बोलूँगी उनके साथ खड़े रहें और थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने बारे में आज आपने बहुत कुछ बताया। तो ये सोनम की कहानी है, सोनम की जुबानी आज हमने सुनी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सोनम के साथ हमारे किया हुआ ये इंटरव्यू का अनुभव हमारे लिए बहुत अच्छा था, आपके लिए कैसा था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोनम के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके वो भी पूछिएगा, हम सोनम के जरिए आपको वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनम।